अस्सलाम वालेकुम, न्यूज प्लस के साथ मैं हूँ शाइस्ता रजा। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इन्हें शर्म नहीं आती कि रिपोर्ट आ गई है, इन्हें तो मुंह नहीं दिखाना चाहिए। इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ का ही नहीं बल्कि शहबाज शरीफ इसहाक डार का फौरी इस्तीफा मांगते हैं। वजीर आजम भी मनी लॉन्डर, वजीर खजाना भी मनी लॉन्डर है। अदालतों ने अभी कोई फैसला नहीं किया। तलाल चौधरी कहते हैं कि इस्तीफा उस वक्त बनता है जब कोई चीज साबित हो जाए। इमरान खान कभी अदालत कभी जीआईटी का कांधा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका काम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इल्जाम लगाना और इस्तीफे मांगना है। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क 35 साल मार्शल लॉ की नजर हुआ। हुसैन सहरवर्दी से नवाज शरीफ तक क्यों 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते? पहले 58-2 भी था और आज अदालती 58-2 भी बनाने की कोशिश की जा रही है। जीआईटी रिपोर्ट नवाज शरीफ के खिलाफ है, वो ओहदे से अलहदा हो जाए। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हम चाहते हैं एहतसाब और जमहूरियत साथ साथ चलती रहे, मगर जमहूरियत का मतलब ये नहीं कि चोर चोरी करता रहे। जिस तरह मिठाई बांटने का कोई फायदा नहीं था, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक कहते हैं कि हुक्मरान तबके ने पाकिस्तान की दौलत को लूटकर मुल्क से बाहर मुंतकिल किया, इसे वापस लाया जाए। वकील ने मुझे पढ़ाए बगैर मेरा हल्फनामा जमा कराया। तारिक शफी कहते हैं कि मुझे जेआईटी में आमिर अजीज ने अपना हल्फनामा वापस लेने को कहा था। हल्फनामा वापस ना लेने की सूरत में संगीन नतायज की धमकियां दी। ये बात बाकायदा दस्तावेज की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। फिल वक्त इतना ही, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।